श्रावण मास के तीसरे सोमवार को ज्वालामुखी में स्थित रघुनाथेश्वर लाल शिवालय मंदिर भोले के जयकारों से गुंजयमान हुआ और साथ ही आज शिव महापुराण कथा का समापन व पुण्य आहुति का भी आयोजन किया गया, जहां सूक्ष्म रूप से भंडारे का आयोजन रहा। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को ज्वालामुखी स्थित रघुनाथेश्वर लाल शिवालय मंदिर भोले के जयकारों से गुंजयमान हुआ। इसके साथ ही शिव शक्ति अंबिकेश्वर महादेव व आसपास के शिवालय भोले के जयकारों से गूंज उठे। लाल शिवालय मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस मौके पर अष्टभुजा मंदिर, शनिदेव मंदिर स्थित शिवालय, हनुमान गली में स्थित शिवालय सहित अन्य मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना में भाग लिया। भोले के भक्तों ने दूध, जल, बेल, धतूरा, शहद, गन्ने के रस व बेल पत्रों से शिव की पूजा आराधना की। इस बीच भक्तों ने भोले के नाम का व्रत भी रखा। पुजारी महासभा प्रधान पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी के प्रसिद्ध प्राचीन रघुनाथेश्वर लाल शिवालय मंदिर में हर वर्ष की भांति 54वें वार्षिक भंडारे व श्री शिव महापुराण व अखंड रामायण पाठ की आहुति का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त व श्रद्धालुओं व स्थानीय निवासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। आज ज्वालामुखी में श्रावण मास का तीसरे सोमवार को भगवान श्री रघुनाथेश्वर महादेव आय नमः श्री लाल शिवालय जी में महाशिवपुराण की पूर्णोति अभी संपन्न हुई है और उसी के उपलक्ष्य में आज सूक्ष्म सा भंडारा भगवान के चरणों में हमने किया है और बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करें। तो जैसे ही पूरी सृष्टि में हरियाली है, ऐसे ही हमारे सभी भक्तों की घरों में खुशहाली और हरियाली का आशीर्वाद बना रहे, हमारी फसलों में वृद्धि हो, हमारा राष्ट्र उन्नति करे और सब में भाईचारा बने और ये जो कोरोना रूपी महामारी है इसका विनाश हो, इसी की भगवान भोलेनाथ से हमने प्रार्थना करी है कि हमारी ये जो है जितनी भी ये जो अनिष्ट आ रहे हैं, बाधा आ रही है, उनको दूर करे और हमारी रक्षा करे। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।